सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में आज 1.5 से 2 करोड़ लड़का सड़क पे घूम रहा है। हमारी मार्कशीट और 5 साल की मेहनत और लाखों रुपए एक कूड़े के भाव हो गए हैं। तो हमको PRT में शामिल करिए या तो हमको इस देश से ऊपर भेज दीजिए, जीना ही नहीं चाहते। BEd एकता जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। में एक अध्यादेश आया जिसमें कहा गया कि BEd के छात्र भी शिक्षक बन सकते हैं और स्कूलों में पढ़ा सकते हैं, लेकिन 2018 के बाद या 2023 से अभी तक किसी की भी कोई भी नियुक्ति नहीं की गई है। यहाँ पर हजारों की संख्या में छात्र और छात्राएं मौजूद हैं और लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इन लोगों को इको गार्डन की तैयारी है पुलिस की ले जाने की। हमारे साथ छात्र मौजूद है, उनसे बात करेंगे, जानेंगे ये क्या कुछ कह रहे हैं। ये सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में करोड़ों लड़के आज रोड पे घूम रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट का फैसला सरकार बदल सकती है दिल्ली सरकार के अंतर्गत या चुनाव आयोग की नियुक्ति के अंतर्गत, तो हम लोग 2 करोड़ लड़के जो सड़क पे घूम रहे हैं इनके लिए तुरंत सरकार अध्यादेश लाए और इनको प्राइमरी में शामिल करे। जिस प्रकार अभी सुप्रीम कोर्ट का भी दोहरा रवैया है, अभी पॉलिटेक्निक में जूनियर इंजीनियर बच्चे फॉर्म भरते थे, उसने क्या किया, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट का फैसला बदल दिया का BTech वाले भी एलिजिबल होंगे। हायर एजुकेशन को आप रोक नहीं सकते हैं और यहाँ पर BEd वालों को बता दिया कि हायर एजुकेशन है, हम इनको प्राइमरी में नहीं शामिल होने देंगे। यहाँ सुप्रीम कोर्ट, केवल सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई, सरकार और सुप्रीम कोर्ट की लड़ाई में आज 1.5 से 2 करोड़ लड़का सड़क पे घूम रहा है। सरकार से हमारा हाथ जोड़ के निवेदन है, जल्दी से जल्दी अध्यादेश लाए और हम लोगों को PRT में शामिल करे। हम लोगों की कोई गलती नहीं है, NCT के ही द्वारा 2018 में हम लोगों को शामिल किया गया था क्योंकि BETC वाले योग्य अभ्यर्थी नहीं मिल रहे थे। KVS संगठन ने सरकार से मांग की थी कि BTC वाले छात्र योग संगठन योग अच्छे नहीं बच्चे नहीं मिल रहे हैं, BEd वाले छात्रों को अनुमति दी जाए। इसी के कारण NCT ने अधिसूचना जारी की और 2018 में BEd वाले अभ्यर्थियों को शामिल किया। हम लोगों क्या गलती थी, हम लोगों ने 5 साल बर्बाद किए, लाखों रुपए फीस बर्बाद की और हम लोग एक डायरेक्शन में शिक्षक भर्ती की और तैयारी कर रहे थे, तब तक सरकार का सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ गया और हमारी मार्कशीट और 5 साल की मेहनत और लाखों रुपए एक कूड़े के भाव हो गए हैं। मेरी सरकार से हाथ जोड़कर विनती है कि जल्दी से जल्दी हम लोगों के लिए अध्यादेश लाए, अन्यथा हम 1.5 करोड़ लड़के भुखमरी के कगार पर और बहुत ही मानसिक तनाव का सामना करते हुए सामना कर रहे हैं और रोड पे भड़क रहे हैं। आपसे निवेदन है, आपके चैनल के माध्यम से निवेदन है कि सरकार जल्दी से जल्दी हम लोगों के ध्यान में रख के अध्यादेश लाए, अधिसूचना जारी करे और आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद। नमस्कार सर, मैं कानपुर देहात से आया हूँ और मेरी मांग है कि ये प्रोटेस्ट इसलिए चल रहा है क्योंकि 2018 में एक गजट आता है उसमें कहा जाता है कि क्योंकि शिक्षक पूरे ना होने के कारण BEd वाले शामिल किए जाएंगे, तो इसी को देखते हुए मैंने BEd किया। BEd के बाद मैंने 2 बार CTET क्वालिफाइड किया, 2 बार TET क्वालिफाइड किया, उसके बाद तैयारी कर रहे थे, इंतजार कर रहे थे वैकेंसी आएगी और वैकेंसी आने की तो दूर है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट का फैसला आता है कि BEd वाले प्राइमरी टीचर के शिक्षक प्राइमरी में शिक्षक नहीं बन पाएंगे, तो इसमें सर हम लोगों क्या गलती है, समय भी बर्बाद किया, 2 लाख बर्बाद किया, उसके बाद कहीं प्राइवेट नौकरी भी करते तो वो भी नहीं किया, तो सरकार से हमारी मांग है कि PRT में शामिल किया जाए, ऐसा कोई बीच का रास्ता निकाला जाए जिससे BEd वाले रोड पे ना आए। जी भैया, सरकार से क्या मांग रहे? अरे हम लोग को बस PRT में हम लोग को चाहिए, अध्यादेश के द्वारा चाहिए। 2018 के आप लोगों की सारी नियुक्ति थी, सब कुछ था, 2023 आ गया है। जी जी जी, क्या लगता है हो पाएगा? हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा, अध्यादेश के द्वारा होगा, हम लोग के समर्थन से होगा। 28 जून 2018 का जो भारतीय सरकार का गजट था उसके द्वारा जारी किया गया, आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला करके वो गजट ही रद्द कर दिया गया। इससे देश भर के जो BEd डिग्री धारक हैं वो जो है परेशान है, उनको PRT में शामिल नहीं किया जाएगा। अब और भर्तियां आती नहीं, TGT PGT जल्दी आती नहीं है, अपर प्राइमरी में जो है यही BTC वाले प्राइमरी में टीचर बनकर प्रमोट हो जाते हैं। अब हम लोगों के लिए क्या किया जाए, TGT PGT दे नहीं सकता है, आगे का रास्ता जो है क्या है, सरकार या तो अध्यादेश लाकर हम लोगों को प्राइमरी में शामिल करे अथवा एक अध्यादेश लाए जो 18 से 23 तक है उनको सीधे सीधे फांसी दे दिया जाए। सबसे बड़ी परेशानी है, या तो हमको PRT में शामिल करिए या तो हमको इस देश से ऊपर भेज दीजिए, हम चले जाएं, हम संतुष्ट रहेंगे।
ऐसा नहीं हम जीना ही नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात यह है या तो शामिल करे अध्यादेश लाए, चाहे एनसीटी सुप्रीम कोर्ट का फैसला फिर से पुनर्विचार के लिए एनसीटी जाए, हम नहीं जाएंगे क्योंकि उनके अध्यादेश पर, भारत सरकार के गजट पर हमने प्राइमरी टीचर बनने के लिए हमने बीएड किया, उसमें हमारी दोष नहीं है, हमारे माँ बाप ने पता नहीं कैसे कैसे करके हमें पढ़ाया, बीएड कराया, आज उनके चेहरे पे शिकन है, मेरे चेहरे पे शिकन है। यहाँ जितने अभ्यर्थी आए हैं जो प्राइमरी टीचर बनना चाहते हैं, जिनकी प्राइमरी के बगैर अदर योग्यता ही नहीं है, कुछ लोग बीटेक किए गए उनकी भी योग्यता नहीं है, कुछ लोगों का सब्जेक्ट कम्बिनेशन नहीं है उनकी योग्यता नहीं, वो क्या करेगा? सरकार सोचना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट को भी ये सोचना चाहिए, जिसने पैदा किया है ठीक है, आज उसी व्यक्ति को आप अयोग्य ठहराए, यही बीएड एमएड जो है आपको पढ़ा लिखा कर जज बनाया, कोई ऐसा वैसा नहीं चाहिए, प्रशासन हो जो यहाँ पे है हमारा सहयोग कर रही है, प्रशासन हमारा सहयोग कर रही है, लेकिन इन्हीं को हम ही लोग ने पढ़ाया है, इनके बच्चे को भी हम लोग पढ़ाएंगे, अगर हमारा जो है आज अध्यादेश लाकर हमको शामिल करते हैं तो हमारे लिए न्याय होगा। सीधी बात, एक सरकार की कमियों का खामियाजा हम बीएड धारक क्यों भुगते? 2018 की आप लोगों की भर्ती 23 हो रहा है, पाँच साल हो गए, और उन्हीं के गाइडलाइन पर हम लोगों ने बीएड किया था कि पीआरटी में और अपर प्राइम दोनों हमको जो है अवसर मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने 4-5 लाख रुपए लगा करके बीएड किया, तैयारी के बीएड टेट सीटेट क्वालिफाई करके आज ये इस हालत में हमको लाकर के सरकार ने खड़ा कर दिया। 2018 के बाद 2023 है, क्या लग रहा है नियुक्ति मिलेगी? अभी सरकार चाहेगी सब कुछ हो सकता है। इतने सारे सैकड़ों की तादाद में आप लोग छात्र यहाँ पर मौजूद हैं, उतनी ही ज़्यादा महिलाएं हैं और भी एजेड महिलाएं भी हैं, ठीक है, सरकार ध्यान नहीं दे रही, और भी तमाम धरना प्रदर्शन हो रहा है, उसी तरह आपको भी अब इको गार्डन में ले जाकर बैठा देंगे। मेरे हिसाब से सरकार को चाहिए अध्यादेश लाए, हम लोग को पीआरटी में शामिल करें, क्योंकि हम लोग इतने साल तैयारी कर रहे हैं, 5 साल तैयारी किए हैं, और जब नौकरी की टाइम आता है तो कहते हैं कि हम एलिजिबल नहीं हैं, कि सर ये कहाँ का न्याय है। सरकार से अनुरोध है कि हमें पीआरटी में शामिल करें, अध्यादेश लाएं और पीआरटी में शामिल करें, बीएड के साथ यही न्याय होगा। मैम क्या कहना है आपका? हम भी यही चाहते हैं कि पीआरटी के लिए अध्यादेश लाए सरकार, सरकार से ही उम्मीद है, सरकार ने ही हम लोगों को आश्वासन दिया था, एनसीटी के घोषणा पत्र हुआ था, उसी वजह से हम लोगों ने बीएड किया था, ठीक है, तो अब सरकार से ही उम्मीद है क्योंकि वही कुछ कर सकते हैं, तो हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि पीआरटी में हम लोगों को शामिल करें। यहाँ पर जितने भी छात्र और छात्राएं मौजूद थे उनको पुलिस प्रशासन द्वारा अब इको गार्डन पहुंचा दिया गया है, जहां पर उनकी मांगों को सुना जाएगा व उनकी मांगों को समझा जाएगा, मंत्रियों तक, मुख्यमंत्री तक उनकी मांगों को पहुंचाया जाएगा, लेकिन इन लोगों का साफ तौर पर कहना है कि हमें अब पीआरटी में शामिल किया जाए, हमें नियुक्ति दी जाए, जिससे हमारा करियर बर्बाद ना हो, हमारे माता पिता ने हमें पढ़ा लिखा कर इतना बड़ा कर दिया और अब सरकार और प्रशासन हमारे साथ इस तरह का सलूक करे, ये हमारे लिए ठीक नहीं है। और जितने भी छात्र और छात्राएं यहाँ पर मौजूद हैं वो साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि उन्हें पीआरटी में शामिल किया जाए। राजधानी लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सूरज के साथ स्पर्श गुप्ता, आरटीवी24।